जय जानकीनाथ। आइए कर्मकांड की आज की जो अपनी 17वीं कक्षा उसमें प्रवेश करते हैं। अब तक हमने 16 कक्षाओं में विशेष अध्ययन किया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसकी तैयारी भी की है। एक नई योजना हम लेकर के आए हैं, वो यह है कि आप लोग जो अध्ययन विशेष रुचि से कर रहे हैं वो लोग हमसे जुड़िए, वो लोग हमें पर्सनली कॉल करिए और जानकारी प्राप्त करिए। एक हमने नई विधा अपनाई है, उससे आप लोगों को घर बैठे, जैसे एक गुरु एक शिष्य को अच्छे से तैयार करता है, वैसे हम लोग आप लोगों को तैयार करेंगे। कर्मकांड के विषय में आपको संपूर्ण जो है कर्मकांड और रुद्राष्टाध्यायी दुर्गा सप्तशती उसका अध्ययन करवाएंगे। उसके लिए शुल्क होगा और एक प्रक्रिया होगी, वो आप लोगों को अपनानी होगी। अगर जो विशेष रुचि ले रहे हैं और जो विशेष इसमें तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ, तो वो लोग हमें कॉल अवश्य करें, ठीक है। ये सूचना मेरे को आप लोगों को देनी थी, तो आप लोग पर्सनली फोन करिए। और जो अपन जो क्रम में चलेंगे वो फिर एक शुरू से मैं वापस लेकर के चलूंगा आप लोगों को, और जहां पर आपकी अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को शुद्ध करूंगा, और आपको एक एक क्रम बताते हुए अपन जो है वो उसका पूरा प्रकरण है वो ध्यान से वो आप लोगों को हम लोग तैयार करवाएंगे। तो आज की ये सूचना शायद बहुत लाभदायक रहेगी आप लोगों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो पर्सनली है, जो सच में इस समय का उपयोग करना चाहते हैं और घर बैठे इसका अध्ययन अच्छे से करना चाहते हैं, वो लोग हमें कॉल अवश्य करिए और जानकारी प्राप्त जरूर करिए, ठीक है। संपर्क सूत्र में इस वीडियो में और दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग अच्छे से वहां पर, हम दो आचार्य हैं, वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री मैं हूं, वैदिक आदित्य शास्त्री जी भी हैं, आप इन दोनों से जुड़िए और इन दोनों को कॉल करिए, ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा में तो अपन प्रवेश करते ही हैं। पीडीएफ आप सभी के पास है, वीडियो आपके सभी के पास आ ही रहा है। तो हमने अभी तक भगवान गणपति का निराजन करने की जो प्रक्रिया थी वो हमने संपन्न की। आज भगवान गणपति को पुष्पांजलि कैसे अर्पण करते हैं, और पुष्पांजलि करने के जो मंत्र हमने 5 मंत्र संकलित किए हैं, तो हमें प्रथम मंत्र आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। हाथों में पुष्प लेकर के भगवान गणपति का, गणेश अंबिका का ध्यान करते हुए, उनके चरणारविंदों का ध्यान करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करने का प्रथम मंत्र है, उसका उच्चारण करिए। ओम जगनीना जज्ञामायजन्त देवास्, जगनीना जज्ञामायजन्त देवास्, तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एक बार पुनः इसको सुनिए। ओम जगनेन जज्ञामायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रथम मंत्र तो ये हुआ। दूसरा मंत्र है ओम जम परिधिम परजधत्था। यहाँ पे उच्चारण का ध्यान रखेंगे, पर ज धत् था, त और था, तो पर ज धत् था अग्नि देव पाणी भीर गुज्य, यह है और है में यह जुड़ा हुआ है, तो इसको है में यह, तो गुज्य मान इसका ऐसे उच्चारण करेंगे। जम परिधिम पर ज धत् था अग्नि देव पाणी भीर गुज्य मान तंत एतमानु जोखम भराम्ये म आधा म और ये तो मे भराम्ये खाने त्वादपाचे तयाता अग्नि प्रियम पाथो
प्रियं पाथो पीतम। ये इस प्रकार उच्चारण के लिए आपको बताया, अब इसका उच्चारण देखिए एक बार। जम परिधिम पर जधत्था अग्ने देव पाणी भीर गुज्यमान तंत एत मनुजो खंभरा मेखाने त्वदपचेतयात अग्नेः प्रियं पाथो पीतम। दूसरा मंत्र यह हुआ, तीसरा मंत्र है प्रोज्यमान है, चौथा मंत्र है स्वैर्दक्षैर्दक्षापिते और पांचवा मंत्र है मानस्तोके। तो ये पांच मंत्र हमने पुष्पांजलि के संकलित किए हैं और एक श्लोक है वो काफी प्रचलित है, आप लोग भी सुनिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि, क्या है? नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद अधद है वहां पे, तो क्या बोलेंगे? कालोद भवानी च, भवानी च पुष्पांजलिर, म के ऊपर र की मात्रा है इसलिए पुष्पांजलिर मया दत्त गृहाण गृहाण परमेश्वर। इसको अब वापस सुनेंगे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर मया दत्त गृहाण परमेश्वर। यह बोल करके सुंदर राग में, और फिर आप बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। यह बोल करके आपने भगवान गणपति को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण की। मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करने के पश्चात आती है प्रदक्षिणा। तो प्रदक्षिणा करने के भी हमने पांच मंत्र तो संकलित किए हैं और एक जो यानी कहनी चाहिए वो एक श्लोक है। तो मंत्रों का उच्चारण करेंगे। प्रथम मंत्र है जे तीर्थानी। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्ता निखंगिणः तेखाग्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसी। उच्चारण सुनिए। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति प्रचरन्ति श्रेका हस्ता निखंगिणः। गग में ग जुड़ा हुआ है, अंग में है ना, तो निखंगिणः। फिर तेखा गु, इसका गु का उच्चारण करेंगे, जो ऐसा चिन्ह लगा हुआ है ना उसके उसका गु का उच्चारण करेंगे। तेखा गु सहस्रायो सहस्रायो जाने जाने वधन वा नीतन मसी। अब सुनेंगे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्ता निखंगिणः तीखाग्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसी। तीसरा मंत्र है मानो महांतमुतमानो, चौथा मंत्र है प्राचेदिसे स्वाहा और पांचवा मंत्र है स्रायंत इव सूर्यम। और ये पांच मंत्र हुए और एक है श्लोक। श्लोक का उच्चारण सुनिए। यानी कानी च पापानी, यानी कानी च पापानी जन्मांतर जन्मांतर कृतानी च तानी सर्वाणि नश्यन्तु तानी सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब भगवान को हमने प्रदक्षिणा जो है वो पांच वैदिक मंत्रों से और एक श्लोक के माध्यम से हमने बताया। आपको जो मन हो वो श्लोक और ध्यान अच्छे से तैयार करिए, मंत्र तैयार करिए और प्रदक्षिणा में इन मंत्रों को प्रयुक्त कीजिए। अब आगे आता है विशेष अर्घ्य। तो विशेष अर्घ्य कैसे प्रदान करते हैं? एक अर्घ पात्र में आप जल लीजिए, गंध लीजिए, चंदन लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और उसके साथ में एक नारी फल लीजिए। जैसे अपन अर्घ भगवान को सूर्य को देते हैं वैसे अर्घ मुद्रा बनाते हुए वो पात्र रखिए अपने पास
और अर्घ मुद्रा बनाते हुए आपको वो अर्घ प्रदान करता करना है भगवान गणपति को, और अर्घ प्रदान करते हुए यह मंत्र बोलना है, ओमा हिरण्यपाणी, बहुत छोटा सा मंत्र है, हिरण्यपाणी मूतये सविता सविता र मुपव्वये, हमें व लगा हुआ है, र मुपव्वये, फिर है सचेता, डबलता है यहाँ पे, सचेता देवता पदम, उच्चारण देखिए, ओम हिरण्यपाणी मूतये सविता रमुपव्वये सचेता देवता पदम। यह मंत्र बोलने के पश्चात एक श्लोक है, वह भी आप बोलेंगे कि ओमा रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, क्या बोलेंगे, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, भक्तानाम भयंकरता त्राता भव भवार्णवात्, द्वैमातुर कृपा सिंधो शान मातुरा ग्रज प्रभो, शान मातुरा ग्रज प्रभो, शान मातुर अग्रज प्रभो भी बोल सकते हो, नहीं तो शान मातुरा ग्रज प्रभो, फिर है वरदस्त्वम वरम देही वांछितम, ये इसका उच्चारण करना है, वांछितम वांछितार्थद वांछितार थद, फिर बोलना है अनेना सफलार्घेणा, अनेना सफलार्घेणा फल दोस्तु सदा मम, ये बोलते हुए आपको भगवान गणपति जी का ध्यान करते हुए आपको भगवान गणपति को अर्घ प्रदान करना है, और फिर आप बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः विशेषार्घ्यम समर्पयामि। फिर उसके पश्चात आती है हाथ जोड़ करके बड़े प्यार से भगवान गणपति और अंबिका का ध्यान करते हुए उनकी प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना करने के जो मंत्र है वह सुनिए, हमारी भगवान गणपति की जो पूजा है वो संपन्नता की ओर है, तो प्रार्थना करेंगे मन में ध्यान और भाव करते हुए कि हे भगवान गणपति, हे गणों के राज, हे गणाध्यक्ष भगवान, हे प्रथम पूजनीय भगवान, अगर हमारे पूजा क्रम में किसी प्रकार से त्रुटि रही हो तो उसे आप क्षमा करिए और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करिए, हम आपके ही बालक है, आपके ही सेवक है, इस प्रकार से नानाविध प्रकार से आप अपने मन के भाव भगवान गणपति जी के सामने प्रकट करते हुए इस प्रार्थना के द्वारा आप उनका जो है वो प्रार्थना करेंगे। प्रथम है विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, ज्यादा कठिन नहीं है, श्लोक में है तो आप लोगों को अच्छे से उच्चारण होगा और राग में बोलेंगे तो भाव भी प्रकट होगा, इसलिए जितना हो उतना अच्छे से प्यार से और भाव से बोलिए, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रथम हुआ, दूसरा है भक्तार्तिना शन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदा यसुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदा य नमो नमस्ते। तीसरा है नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः, नमस्ते
रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे, भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यम विनायक। चतुर्थ है, देखिए ऐसी बात नहीं है, आप कोई भी श्लोक ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हों, हमने तो इस प्रकार संकलित किए हैं तो आपको बता रहे हैं। चतुर्थ है, त्वाम विघ्न शत्रु दलने तिच सुंदरेति भक्त प्रियेति सुख देति फल प्रदेति, विद्या प्रदेत्य घहरे तिच ये स्तुवन्ति, तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। पांचवा है, लंबोदरम नमस्तुभ्यम सततम मोदक प्रिय, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। छठवा श्लोक है, विघ्न निवारण सब सुख कारण, भक्त रुदारण ज्ञान घनम, दैत्य विदारण परशुधारण रिद्धि कारण देववरम, गिरिजा माता षणमुख भ्राता शंकर ताता सौख्यकरम। अरे भूसुर भक्षक मोदक भक्षक, ज्ञानी लक्षक कीर्तिकरम। फिर एक और है, वो है सप्तम वाष्टक है, बहुत प्यारा है। यजामो गणेशम भजामो गणेशम जपामो गणेशम वदामो गणेशम स्मरामो गणेशम स्मरामो गणेशम नमामो गणेशम नमामो गणेशम। आठवा है, त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया, सम्मोहितं दे विसमस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। इस प्रकार आप अपने भाव से भगवान गणपति के जितने चाहे उतने श्लोकों से उनका ध्यान करिए। हमने यहाँ 8 श्लोक प्रयुक्त किए हैं भगवान गणपति और अंबिका के। फिर आप बोलेंगे, ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान समर्पयामि। तो भगवान गणपति को हमने नमस्कार किया, उन्हें प्रणाम किया, उनकी प्रार्थना की। फिर आपको अपने सीधे हाथ में जल लेकर के ये बोलना है कि गणेश पूजनी कर्म, गणेश पूजनी कर्म यन्यूनमधिकम कृतम, यन्यूनमधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। ये बोलकर के आपको बोलना है, अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेताम न मम। फिर आपको यह बोलना है, यानी आपने जो भगवान गणपति की पूजा की, अंबिका जी की पूजा की, वो भगवान गणपति और अंबिका को हमने प्रदान की। इस प्रकार हमारी भगवान गणपति की पूजा संपन्न हुई। यहां तक आपने यह भी जाना कि पूजा क्रम में पहले अपन कैसे पूजा करते हैं, फिर उसके बाद भगवान गणपति की पूजा में जो षोडशोपचार विधि से हम पूजा करते हैं तो उनमें क्या क्या किस प्रकार से पूजा करते हैं।
अगर भगवान गणपति की पूजा आप विशेष अच्छे तरीके से सीख जाते हैं यहां तक के अध्ययन को, तो आप आगे के क्रम में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही षोडशोपचार विधि सभी जगह इसी षोडशोपचार विधि के द्वारा पूजन होना है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख करके यहां पर तैयारी करिए, और आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग हमें पर्सनली फोन करिए और आप लोग हमसे जुड़िए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। ज्यादा नहीं है, केवल न्यून शुल्क हमने रखा है आप लोगों के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों का शुल्क लगा रहेगा तो आप लोग अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, अध्ययन में आपकी रुचि रहेगी, और शुल्क बहुत विशेष नहीं है, केवल न्यून शुल्क है, वो तो आप यह क्रम सीखने के बाद एक दिन में उतनी दक्षिणा लेकर के आ जाएंगे। उस विषय पर ज्यादा जोर मत दीजिए, विषय यह है कि दक्षिणा प्रदान भी करनी चाहिए, दक्षिणा की बहुत भारी महिमा है, हैं? विद्या जो है उसकी कई प्रकार से विद्या प्राप्त करने का साधन होता है, समझ गए? गुरुर शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या, तो ये प्रक्रिया होती है विद्या प्राप्त करने की। तो उसमें जो है हमने आपको बताया है वो यह है कि न्यून शुल्क रहेगा, लेकिन कर्म कांड में हम आप लोगों को बहुत अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ, स्पष्ट उच्चारण के साथ हम लोग आप लोगों को, आचार्य लोग स्वयं आप लोगों को तैयार करेंगे, जैसे एक बच्चे को तैयार किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की आयु की सीमा नहीं है, आप जिस आयु के हैं उस आयु के आप अध्ययन कर सकते हैं, इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है, आपकी जब रुचि हो आप लोग बढ़िए सनातन धर्म के, और सनातन धर्म के प्रसार के लिए आगे बढ़िए, आइए और हम लोगों से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोगों को जोड़िए, शुल्क बिल्कुल न्यून रहेगा और आप लोगों की रुचि उसमें बनी रहे, हम लोग आप लोगों को पर्सनली तैयार करेंगे। इसलिए जिनकी रुचि है वो हमें फोन करिए, कॉल करिए और हम लोगों से जुड़िए। जय जानकीनाथ। और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए, कम से कम एक व्यक्ति 10-10 ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, जय जानकीनाथ।